यस बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, जैसा कि हमने आज से पहले की कक्षा में अव्यय के बारे में पढ़ा, आज हम दोबारा उसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में हमेशा एक से रहते हैं, कभी भी नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। हिंदी में इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मीन्स जिनमें परिवर्तन नहीं होता, विकार मीन्स परिवर्तन और अविकार मीन्स जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे अत्र, तत्र, च, उच्चै, तूष्णीम आदि। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, च मीन्स और उच्चै मीन्स जोर से, तूष्णीम चुपचाप। आपको बेटा मीनिंग पता होने चाहिए। जब मीनिंग पता होंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इसलिए जितने भी अव्यय आपके सामने दिए हुए हैं, इस पाठ में दिए हुए हैं, वो आप कम से कम रिवाइज करेंगे, ठीक है? छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ अव्यय दिए गए हैं और उनका अर्थ और उनका संस्कृत वाक्य में प्रयोग किया गया है। जैसे अत्र यहाँ, रमेश यहाँ अत्र वस्ति, रमेश यहाँ रहता है। यत्र तत्र जहाँ वहाँ, यत्र धर्म अस्ति तत्र शांति अस्ति, जहाँ धर्म है वहाँ शांति है। च और राम लक्ष्मण च वनम गच्छत, राम और लक्ष्मण वन को जाते हैं। उच्चई जोर से, बालह उच्चई क्रंदति, बच्चा जोर से रोता है। शनै शनै धीरे धीरे, वृद्धा शनै शनै चलती, वृद्ध धीरे धीरे चलता है। इतस्ततः इधर उधर, उल्लू कहाँ रात्रौ इतस्ततः भ्रमन्ति, उल्लू रात को इधर उधर घूमते हैं। ऊपरी ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। तूष्णीम चुपचाप, छात्रः पुस्तकालये तूष्णीम तिष्ठन्ति, छात्र पुस्तकालय में चुपचाप बैठते हैं। बही बाहर, ग्रामात बहिः कूपः अस्ति, गांव के बाहर कुआं है। बहिः के साथ बेटा हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए ग्रामात में पंचमी विभक्ति है। कुत्र कहाँ, कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है। त्वं कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। कदा कब, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। त्वं कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। प्रातः सुबह, अहम् प्रातः उद्याने भ्रमामि, मैं प्रातः काल बगीचे में घूमता हूँ। सर्वत्र सब जगह, ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। अपि भी, अहम् अपि पुस्तकम् पठामि, पठिष्यामि, मैं भी पुस्तक पढ़ूंगा। अधुना अब, अधुना वयम् स्वतंत्रः स्मः, अब हम सब स्वतंत्र हैं। अद्य आज, अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है। एव हि, स मम एव भ्राता अस्ति, वह मेरा ही भाई है। सायं शाम को, सायं अपि संध्यां करो, शाम को भी संध्या करो। देखिए बेटा कि मैं आपको एक हिंदी में भी ऐसे ही सेंटेंस बताती हूँ कि जैसे बच्चा यहाँ पढ़ता है। आप कहोगे कि मैं इस कहती हूँ कि इसका वचन बदलो। आप कहोगे बच्चे यहाँ पढ़ती है, आपने बच्चा शब्द भी चेंज कर दिया, पढ़ता है भी चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ शब्द चेंज नहीं किया। और यहाँ को संस्कृत में हम कहते हैं अत्र, ठीक है? तो ये बेटा आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा शब्द अव्यय है और उसकी हिंदी आपको ध्यान से देखनी है, फिर उसको आप यथास्थान लगा सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी आएगा कि वाक्य बनाएं, और ऐसे भी आ सकता है कि मंजूषा से अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जैसे आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए। पहला प्रश्न है, मंजूषा से अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रातः सुबह, इतस्ततः इधर उधर, तूष्णीम चुपचाप, उच्चई जोर से, ऊपरी ऊपर, शनै शनै धीरे धीरे, कदा कब, यत्र तत्र जहां वहां, यहां वहां, वही बाहर, सर्वत्र सब जगह, च और। अब देखिए पहला आपका सेंटेंस है डैश, अहम उद्यानम गच्छामी, सायं डैश तम गच्छसि। इसमें से हमने देखिए क्या वर्ड लिया, सुबह मैं बगीचे को जाता हूँ और शाम को तुम जाते हो। प्रातः अहम उद्यानम गच्छामी, सायं च तुम गच्छसि। राइट डाउन बेटा, दोज हैव रिटन वेल एंड गुड, एंड दोज हैव नॉट रिटन, प्लीज राइट डाउन नाउ।
डैश भ्रमणाय गच्छ, यत्र तत्र भ्रमणाय गच्छ, यहां वहां घूमने के लिए जाओ। सिंह डैश गर्जती, सिंह उच्चई गर्जती, कछपह डैश चलती, कछपह शनई शनई चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तुम विद्यालयम डैश गमिष्यसि, क्वेश्चन मार्क है, तुम विद्यालय कब जाओगे, कदा गमिष्यसि। धर्मस्य डैश विजय भवति, धर्म की हमेशा विजय होती है सर्वत्र। मृगाः डैश धावंती, इतस्ततः हिरण इधर उधर दौड़ते हैं। छात्राः पुस्तकालय डैश तिष्ठन्ति, छात्र पुस्तकालय में चुपचाप बैठते हैं। शिशु गृहात डैश गच्छति, शिशु घर से बाहर जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि वही के साथ पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ देखिए गृही शब्द में गृहात पंचमी विभक्ति है। मुखस्य ऊपरी नेत्रे स्थ, मुख के ऊपर दो नेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न है कि आपको रिक्त स्थानों में कोष्ठगत अव्यय से चुनकर उचित अव्ययों को भरें। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में अव्यय दिए गए हैं, उसमें से आपने राइट आंसर चूज करना है। ईश्वर है डैश अस्ति, यहाँ पुत्र और सर्वत्र है। पुत्र प्रश्नवाचक शब्द है बेटा, तो यहाँ हम पुत्र को लगाएंगे तो ये हमारा मीनिंग गलत होगा, इसलिए ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, इट इज राइट। भवान डैश पठती, भवान मीन्स आप, पुत्र पठती, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। आप कहाँ पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये आप बोलते भी हो कई बार मंत्राज में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, ये वाला। सूर्य डैश उद्यति, सूर्य प्रातः उद्यति, यहाँ पर प्रातः और सायं दिया गया, यहाँ पर प्रातः उद्यति। फिर देखिए सूर्य डैश अस्तम गच्छति, यहाँ भी दोनों दिए हुए प्रातः और सायं, सूर्य अस्तम गच्छति सायं, सूर्य शाम को अस्त होता है। डैश क हसती, यहाँ पर भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द सर्वत्र अत्र दोनों में से क्या आएगा, अत्र क हसती, यहाँ कौन हंसता है। विद्वान डैश पूज्यते सायं सर्वत्र, यहाँ पर सायं का मतलब है शाम को और सर्वत्र मीन्स सब जगह, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विद्या विदेशे डैश सहायताम करोती, विद्या विदेशे अपि सहायताम करोती, विद्या विदेश में भी सहायता करती है। डैश संस्कृति डैश सुखम, जहां संस्कृति है वहां सुख है, यत्र तत्र। सुलेखा तूषणीम पठती, सुलेखा चुपचाप पढ़ती है। नेक्स्ट देखिए बेटा अव्यय शब्दों को रेखांकित करो। अहम तू प्रतिदिनम उद्यानम गच्छामि, यहाँ पर तू भी और प्रतिदिनम ये दोनों अव्यय हैं, इनको रेखांकित करेंगे। तापसय आश्रमात बही गच्छति, यहाँ पर बही शब्द है, सिर्फ बही शब्द है, तापसय तो संज्ञा है और बही जो है ये अव्यय शब्द है, सिर्फ बही शब्द को अंडरलाइन करिए। वृक्षस्य ऊपरी चटकाः कूजन्ति, ऊपरी ऊपरी वृक्ष के ऊपर पक्षी चिड़िया कूकती हैं। जनाः उच्चैः हसन्ति, या उच्चैः शब्द को अंडरलाइन करिए, लोग जोर से हंसते हैं। यत्र लता गच्छति, जहां लता जाती है, अहम् अपि तत्र गच्छामि, यत्र और तत्र दोनों को अंडरलाइन करेंगे। मृगाः तीव्रम धावन्ति, हिरण तेज दौड़ते हैं, यहाँ पर तीव्रम जो है ये क्या है, तीव्रम अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अव्ययों का प्रयोग स्वरचित वाक्यों में कीजिए। अपने आप से वाक्य बनाने हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही वाक्य इसी प्रकार से बनाने, आप अपनी भी इमेजिनेशन से वाक्य बना सकते हैं। प्रातः सूर्य प्रातः उद्यति, अहम प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इतस्ततः मृगा इतस्ततः धावंती, जनाहा इतस्ततः भ्रमणती, उच्चई सिंह उच्चई गर्जती, ठीक है, बालह उच्चई क्रंदती, अपि विद्या विदेशे अपि सहायताम करोती, अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, शनै शनै गजै शनै शनै चलती, वृद्धै शनै शनै चलती, कच्छपै शनै शनै चलती, एव
स मम एव भ्राता अस्ति स एव पठति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उच्चारण करना है कुछ शब्दों का, कुछ अव्यय शब्दों का। इतस्ततः सायं कुत्र प्रातः उच्चै यत्र तत्र सर्वत्र बही अधुना अद्य। यहाँ पर देखिए आप कई बार अध बोल देते हैं, अद्य द और य इसमें दोनों है। तूष्णीम कदा उपरि शनै शनै एव, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने ये अव्यय पाठ कंप्लीट किया और आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारे अव्यय अच्छे तरीके से आ जाएंगे, अच्छे तरीके से इनके अर्थ जानिए और फिर उपयुक्त रूप से इसको प्रयोग करने का अभ्यास करें।